बर्तमान आम देखा क्वेश्चन नंबर 24 देख ये कौन अच्छी दत्त वृत्त एटी एक व्यास देख ये जो वृत्त एटी हूँ गोटे व्यास नेक्स्ट देखिए वृत्त उपरिस्थ अन्य एक बिंदु बी देख वृत्त उपरे अन्य एक बिंदु कौन अच्छी बी अच्छी ठीक अच्छे ताहले नेक्स्ट कौन अच्छी आमर ए बी रश्मि एवं टी बिंदु रे अंकित स्पर्शक परस्पर को पी बिंदु रे छेद करती देख ये ए बी रश्मि एवं टी बिंदु रे जदि आम गोटे स्पर्शक अंकन करवा ताहले से माने परस्पर को कौन पी बिंदु रे स्पर्श करुछंती बा छेद करुछंती नेक्स्ट कौन अच्छी बी बिंदु रे वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक टी पी को क्यू बिंदु रे छेद कले प्रमाण करवा जे क्यू बिंदु होची पी टी रो मध्य बिंदु देख तो सही भली जदि आम बी बिंदु रे गोटे स्पर्शक अंकन करवा वृत्त प्रति ताहले देख पी टी को को बिंदु रे छेद करुछि क्यू बिंदु रे छेद करुछि ताहले आम प्रमाण करवा जे ए जो क्यू बिंदुटा पी टी रो मध्य बिंदु बोली आम प्रमाण करवा ठीक अच्छे ना ताहले देख फास्ट तुम दत्तरे कौन लिखिबो तो दत्तर ये सब जगह लिखिदेव दत्त वृत्त एटी हूँ गोटे व्यास नेक्स्ट लिखिब वृत्त उपरिस्थ अन्य एक बिंदु बी तो ए बी रश्मि एवं टी बिंदु रे अंकित स्पर्शक परस्पर को पी बिंदु रे छेद करती नेक्स्ट पुणी लिखिदेव बी बिंदु रे वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक टी पी को क्यू बिंदु रे छेद करुछि तो एतिकी तुम्हें कौन दत्तरे लिखिदेव नेक्स्ट लिखिबा आम प्रामाण्य तो देख प्रामाण्य आम कौन लिखा तो ये पचार कौन क्यू बिंदु हूँ पी टी रो मध्य बिंदु लिखिद क्यू बिंदु पी टी रो मध्य बिंदु तो यहाँ आम प्रमाण करवा मीनस देख तो ये आम पी टी रो मध्य बिंदु जदि क्यू ताल पी क्यू इक्वल टू आम लिखिपर क्यू टी तो ये ब्राकेट लिखिपर पी क्यू इक्वल टू क्यू टी तो यहाँ आम प्रमाण करवा तो देख आम प्रमाण करवा पूर्व आम करवा अंकन तो ये अंकन देख मुझे कौन करी तो ये देख मुझे बी टी अंकन करागला कौन अंकन करागला बी टी ठीक अच्छे तो ये पूर्व अंकन करदे बी टी अंकन करागला तो ये लिखिद बी टी अंकन करागला तो बर्तमान लिखिबा आम प्रमाण तो देखो प्रमाण आम करवा बर्तमान तो ये नोटिस करो एंगल ए बी टी तो ए कोण के तो हम 90 डिग्री हम कहीं देख तो ये वृत्तर व्यास हूँ ए टी मीनस एटा कौन है गोटे अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्तर सब अंतस्थ कोण परिमाण गुड़ा के 90 डिग्री ठीक अच्छे ताहले ए कोण के हम 90 डिग्री लिखिबा एंगल ए बी टी एंगल ए बी टी इक्वल टू के 90 डिग्री तो ये लिखिपर अर्धवृत्तस्थ अंतस्थ कोण ठीक अच्छे अर्धवृत्तस्थ अंतस्थ कोण परिमाण के 90 डिग्री ताहले देख एटा जदि 90 डिग्री है ताहले ए जो कोण देख नोटिस करो एटा भी के 90 डिग्री कहीं देख एटे ए बी पी हूँ गोटे सरल रेखा ताहले ए टोटल कोण आम के 180 सन्निहित परिपूरक ना ना ताहले ए कोण के 90 डिग्री तो से कोणर ना हूँ एंगल पी बी टी नेक्स्ट आम लिखा एंगल पी बी टी इक्वल टू के 90 डिग्री तो ये आम लिखिपर एंगल ए बी टी प्लस एंगल पी बी टी एंगल कौन पी बी टी तो दुईट कोण मिसले के 180 ताहले देखो एठारे ए बी टी हूँ आम 90 ताहले पी बी टी के 180 माइनस 90 कले यहाँ भी के 90 डिग्री ही आसो ठीक अच्छे तो बर्तमान देख ये कौन आम के 90 डिग्री तो नेक्स्ट देख आम कौन करवा देख ये नोटिस कर क्यू हूँ आमर वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु ना ना ताहले देख वृत्तर जो बहिस्थ बिंदु दुईट स्पर्श खंड जाए गोटे हूँ क्यू बी आ गए कौन क्यू टी ताल आम जाने तो से जो स्पर्श खंड द्वयर दैर्घ्य सामान हम तो ये आम लिखिपर बी क्यू इक्वल टू कौन क्यू टी तो देख नेक्स्ट आम लिखा क्यू वृत्तर बहिस्थ बिंदु ताहले देख ये बहिस्थ बिंदु दुईट स्पर्श खंड जाए तो से द्वय दैर्घ्य सामान बी क्यू इक्वल टू क्यू टी बी क्यू इक्वल टू कौन हम क्यू टी हम
ठीक अछि। तो ताहले देखो वर्तमान नोटिस करो त्रिभुज बी टी क्यू, देखो ए जो त्रिभुज रे एटी दुईटी बाहु समान हे गेला, बी क्यू आउ क्यू टी समान हे गेला, ताहले कोन हबो कोण गुडा को समान हे जिवो ना, ए दुईटी कोण कोण हबे समान हेबे। ताहले वर्तमान हम लिख परबा एंगल क्यू बी टी, देखो एठारे बी क्यू देखिबा, तो बी क्यू रो विपरीत कोण होछ एटा लिखिबा बी टी क्यू, एंगल कोण बी टी क्यू इक्वल टू क्यू टी, देखो क्यू टी विपरीत कौन हो चाहिएटा लिखिबा क्यू बी टी, एंगल क्यू बी टी, तो ए दुईटी कौन कौन हे सामान हे, तो धरी नियो आपको आम कौन ने थीटा नहीं जावा कौन ने थीटा, ठीक अच्छे। तो युवा हूँ कौन थीटा, तो देख ये तो आम 90 डिग्री थिला, एवं देख एडा भी एतिक आम के 90 डिग्री, ठीक अच्छे। ताल देखो वर्तमान आम कौन करवा एंगल पि बी क्यू बाहर करवा, मीनस ए कौन आम बाहर करवा, देख वर्तमान लिखा एंगल कौन पि बी क्यू, तो यहाँ के हम देख नोटिस करो, तो ये आम देख पि बी टी एति आम 90 डिग्री ना नहीं, तो फास्ट आम लिखी एंगल पि बी टी ये के 90 डिग्री, ताहले पि बी क्यू कौन हम देख ए कौन थीटा आउ टोटल हूँ 90, 90 माइनस थीटा हम कि नाई, तो देख ये आम कौन लिखिपर पि बी क्यू मीनस आम लिखा एंगल पि बी टी रु, देख एंगल पि बी टी रु आम माइनस करवा कौन एंगल क्यू बी टी, एंगल कौन क्यू बी टी, ताहले देखो ए जो पि बी टी होची हमरो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस क्यू बी टी, तो क्यू बी टी हमको हमें थीटा नहीं गले एटा को थीटा दे देबा, एटा को हमें कोन इक्वेशन 1 दे देबा, बुझा पड़ला। तो सही बोले देखो नेक्स्ट हमें कोन करबा अन्य एक कोन नेबा, ए कोन देखो एटा भी हमरो 90 माइनस थीटा हबो, काहे कि देखो एठी हम ए कोन रो ना फास्ट लिखिबा क्यू पी बी, एंगल कोन क्यू पी बी इक्वल टू कौन देख बर्तमान नोटिस करो ये जो बड़ त्रिभुज देख त्रिभुज पि बी क्यू, तो एथिरे एड़ा होचे आमर 90 डिग्री एवं देख ए कौन हो थीटा ना नहीं, ताहले एड़ा केते हबो 90 माइनस थीटा हबो, बुझा पड़ी एड़ा होचे केते 90 डिग्री एवं एड़ा होचे कौन थीटा, ताहले देख एड़ा 90 हेला मीन्स ए दुईटी कौन मिसले आमर आउ 90 हेबा कथा, तो तेणुक एड़ा कौन हबो 90 माइनस थीटा हबो, ताहले ए कोण रो ना होचे कौन क्यू पि बी इक्वल टू कौन एड़ा भी आमर हबो 90 डिग्री माइनस थीटा हम, ठीक अच्छे। तुम चाहिए ब्राकेट लिखिपार पि बी टी, देख एंगल पि बी टी टू आम माइनस करवा कौन बी टी पी, देख लिखिद ना एंगल कौन पि बी टी, एंगल पि बी टी माइनस कौन करवा बी टी पी, एंगल कौन बी टी पी बा बी टी क्यू भी लिखिपर, ठीक अच्छे। तो ए दुटा माइनस कले के 90 डिग्री माइनस थीटा आस, तो बर्तमान नोटिस करो इक्वेशन 1 आउ 2 आम सामान होगा, ताहले आर लेफ्ट साइड आम सामान कर लिखिपर, तो नेक्स्ट देख आम कौन लिखा इक्वेशन इक्वेशन 1 आउ 2 रु आम कौन पाइबा, तो ये लेफ्ट साइड कौन अच्छे यार एंगल पि बी क्यू, एंगल पि बी क्यू इक्वल टू आर लेफ्ट साइड अच्छे क्यू पि बी, एंगल कौन क्यू पि, तो ए दुईटी कोण को बर्तमान नोटिस करो पि बी क्यू, देख ए कोण, तो देख टे इरेज कर दूँ तुम्हें बुझिपार, देख ये कौन कही एंगल पि बी क्यू, देख पि बी क्यू मीनस ए कोण इक्वल कौन आसला क्यू पि बी, देख क्यू पि बी मीनस ए कोण, ए दुईटी कोण कौन है सामान होगा, देख बर्तमान ए त्रिभुज देख त्रिभुज बि क्यू पि रे दुईटी कोण जो सामान, ताहले दुईटी बाहु मर कौन हे सामान ना, तो कौन हम बि क्यू इक्वल टू पि क्यू हम, तो आम लिखिपर नेक्स्ट कौन लिखा, तो ये पि बी क्यू, देख पि बी क्यू ए कोण विपरीत बाहू पि क्यू, पि क्यू हम इक्वल टू एंगल क्यू पि बी ए कोण विपरीत बाहू हूँ बि क्यू, तो ये दुईटी कौन है सामान हेले। ताहले नेक्स्ट आम देखा, तो यार कौन देख आमर स्टार्टिंग आम ये लिखी थी बि क्यू इक्वल टू क्यू टी लिखी ना, देख बि क्यू इक्वल टू कौन लिखी थे क्यू टी, कहीं क्यू हूँ भूतर कौन बहिष्ठ है, ताहले दुईटी स्पर्श खंडर दैर्घ्य सामान हम, ताहले नेक्स्ट आम कौन लिखिपर पि क्यू इक्वल टू ए जो बि क्यू बदल रे आम लिखिद कौन क्यू टी जोटा कि आम ए पाखे लिखी थे, तो पि क्यू इक्वल कौन है बर्तमान क्यू टी हेगला, तो देखो ताहले पि क्यू आउ कौन क्यू टी समान हेगला, मीन्स क्यू हूँ कौन पि टी रो मध्य बिंदु, लास्ट लिखिदेव क्यू हूँ क्यू बिंदु हूँ पि टी रो मध्य बिंदु,
ठीक अच्छे तो आम प्रूफ करदे लिखिदेव प्रूफ। तो नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 25 देख ये कौन अच्छी गोटे वृत्त में ए बी एक व्यास देख ये वृत्त में ए बी हूँ व्यास नेक्स्ट बी बिंदु वृत्तपति अंकित स्पर्शक देख बी बिंदु आम कौन वृत्तपति गोटे स्पर्शक अंकन करें तो स्पर्शक उपरे सी एपरी एक बिंदु जपरिक सी ए वृत्त को डी बिंदु छेद करुच्चे देख जो स्पर्शक अंकन करूँ तो ये सी एपरी एक बिंदु नेबा जपरिक तो ये आम ए सी अंकन करवा मैंने वृत्त को कौन डी बिंदु छेद करें प्रमाण करवा कौन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटु एडी देख ए बी रो स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटु एडी आम प्रमाण करवा देख फास्ट आम लिखिद दत्त तो दत्तर आम कौन लिखा तो दत्त वृत्त ताको आम एस नहीं जावा तो एस वृत्तर व्यास होची कौन ए बी तो व्यास हैला ए बी नेक्स्ट बी बिंदु रे वृत्तपति अंकित स्पर्शक उपरे सी एपरी एक बिंदु जेपरी कि सी ए वृत्त को डी बिंदु रे छेद करुछि तो एति तुम्हें लिखिदेव ठीक अच्छे ना बी बिंदु रे वृत्तपति अंकित स्पर्शक उपरे सी एपरी एक बिंदु जेपरी कि सी ए वृत्त को डी बिंदु रे छेद करुछि तो एति दत्तरे लिखिदेव नेक्स्ट लिखिबा आमे प्रामाण्य तो प्रामाण्य देख आमर कौन पचार ए बी स्क्वायर एबी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटु एडी एबी स्क्वायर इक्वल टू कौन ए सी इंटु एडी तो देख प्रमाण करने पूर्व आम करवा अंकन तो अंकन देख ये मुझे कौन करी एठार बी डी अंकन करदेवि कौन अंकन करी बी डी अंकन करागला देख आम लिखा बी डी अंकन करागला तो बर्तन लिखा आम प्रमाण ताल देख ये प्रमाण में फास्ट देख ये बी डी अंकन करूँ दुईट त्रिभुज आम पाइले गोटे हूँ कौन त्रिभुज ए डी बी देख आम लिखा त्रिभुज ए डी बी ओ त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज कौन ए बी सी तो ए दुईटा मध्य कौन कौन सामान आम देखा देख ये नोटिस कर तो ये कि लिख देख ए डी बी मीनस देख ये डीटा देख यहाँ हूँ आम समकोण हम कहीं देख तो यहाँ हूँ ये ए बी व्यास है मीनस गोटे अर्धवृत्त है अर्धवृत्तस्थ अंतस्थ कोण गुड़ाक परिमाण के हम 90 डिग्री तो ये डी मझे रहा 90 डिग्री तो से ही ए बी सी देख तो ये आम स्पर्शक मीनस तो ये आम कौन हम 90 डिग्री हम ना ये तो ये के 90 डिग्री हम तेणुक कौन देख ए बी सी लिखागला ए बी सी मीनस ये बीटा आम समकोण हम ये डीटा कौन समकोण हम ताल देख ये दुईट त्रिभुज आमर कौन कौन सामान आम देखा तो फास्ट आम देखिए देख त्रिभुज एंगल एंगल ए डी बी देख ये त्रिभुज एंगल ए डी बी ये 90 डिग्री ना ना लिखिद एंगल ए डी बी इक्वल टू कौन ए डी बी ये तो 90 डिग्री है तो से ही जो बड़ त्रिभुज कौन 90 डिग्री हूँ आम एटा एंगल ए बी सी एंगल कौन ए बी सी इक्वल टू के 90 डिग्री तो ये दुईटा सामान है कहीं तो यहाँ हूँ आम स्पर्शक स्पर्श बिंदु को आम व्यासार्ध स्पर्शक प्रति कौन हम लंब हम एवं यहाँ कहीं 90 है तो ये आम अर्धवृत्तस्थ अंतस्थ कोणर परिमाण के 90 डिग्री हम तो ये दुईटा आम कौन सामान हो गला नेक्स्ट आम देखा तो ये एंगेल देख ए कोणटा हूँ साधारण कोण तो फास्ट लिखिदा ये बड़ ए जो छोट त्रिभुज देख एंगेल बी ए डी लिखा एंगेल बी ए डी इक्वल टू बड़ त्रिभुज लिखा बी ए सी हम एंगल कौन बी ए सी एटा हूँ कौन साधारण कोण साधारण कोण ठीक अच्छे ताल देख जदि आम दुईट त्रिभुज दुईट कोण गुड़ा सामान होगा तो तृतीय कोण निश्चित कौन हो तो सी भी सामान होथर आम जान ली कौन एथेर ए दुईट त्रिभुज कौन सदृश होगले त्रिभुज ए डी बी सदृश कौन त्रिभुज ए बी सी ठीक अच्छे ताल देख दुईट त्रिभुज जदि सदृश हे तो से अनुरूप बाहूर दैर्घ्यर अनुपात गुड़ाक सामान हम ताल देख फास्ट आम लिखा ये कौन एठार ए डी ए डी बाई ए बी लिखा ए डी बाई ए बी इक्वल टू आम लिखिपर ए बी देख आर फास्ट मुझे कौन कली फास्ट दुटा लिखिली आर फास्ट दुटा लिखागला तो से ही बर्तन ए फास्ट आउ थार्ड टा लिखे देख ए बी बाय आर फास्ट थार्ड कौन हम ए सी हम ना ठीक अच्छे ताल नेक्स्ट कौन हम ए बी इंटु ए बी आम वज्रणन करदे ए बी इंटु ए बी इक्वल टू कौन हम ए सी इंटु ए डी इंटु कौन ए डी
ताहले बर्तमान देख आम पाईगले ए बी रो स्क्वायर इक्वल टू कौन ए सी इंटु ए डी तो एडा हुई आमर प्रमाण करिया देथिला तो आंसर आसीगला तो लिखिदे प्रूफ ठीक अच्छे तो नेक्स्ट टाइम देखा क्वेश्चन नंबर 26 देख कौन अच्छे गोटे वृत्तरे ए बी एक व्यास देख ये ए बी हूँ गोटे व्यास नेक्स्ट बी बिंदु वृत्तपति अंकित स्पर्शक उपरे सी ओ डी दुईट बिंदु जपरिक सी बी डी देख ये बी बिंदु आम गोटे स्पर्शक ये अंकन कराई ताहले तो सी जो स्पर्शक उपरे दुईट बिंदु देख गोटे हूँ सी एवं गोटे डी जबल देती सी बी डी देख सी बी डी एक सरल रेखा रही ठीक अच्छे ताहले नेक्स्ट कौन अच्छे जदि सी ए ओ डी ए यथाक्रमे वृत्त को पी ओ क्यू बिंदु छेद करती देख एटे सी ए रेखाटा ये वृत्त को पी बिंदु छेद करुच्छे तो से ही भाई आमर कौन ए डी तो नेक्स्ट कौन सी ए ओ ए डी कहला डी ए डी एटा वृत्त को कौन क्यू बिंदु छेद करुच्छे ताल ये प्रमाण करवा कौन ए सी इंटु ए पी इक्वल टू ए डी इंटु ए क्यू देख ए सी इंटु ए पी इक्वल टू कौन अच्छी ए डी इंटु ए क्यू तो यहाँ आम प्रमाण करवा तो फास्ट देख दत्तरे तुम ये लिखिदेव एस एक वृत्तरे ए बी एक व्यास फास्ट लिखिदेव देख एस वृत्तरे तो आपको आम एस नहीं जावा तो एस वृत्तरे ए बी एक व्यास ठीक अच्छे तो नेक्स्ट लिख तुम्हें बी बिंदु वृत्तपति अंकित स्पर्शक उपरे सी ओ डी दुईट बिंदु जपरिक सी बी डी नेक्स्ट पुणी लिख सी ए ओ डी ए यथाक्रमे वृत्त को पी ओ क्यू बिंदु छेद करुच्छे तो ये लिखिदेव नेक्स्ट लिखा प्रामाण्य प्रामाण्य लिखे आम कौन ए सी इंटु ए पी इक्वल टू ए डी इंटु ए क्यू तो यहाँ आम प्रमाण करवा देख प्रमाण करवा पूर्व आम लिखा अंकन तो ये अंकन आम कौन करवा तो यठार आम देख बी पी अंकन करवा तो से ही भाई कौन बी क्यू आम अंकन करवा देख ये अंकन आम कौन लिखा बी पी ओ बी क्यू बी पी ओ बी क्यू अंकन करागला ठीक अच्छे तो बर्तमान लिखा आम कौन प्रमाण देख आम पूर्व क्वेश्चन रे जेभली करें तो एठी मध्य आम सेम करवा तो फास्ट देख एठारे बी पी आम जो अंकन करे दुईट त्रिभुज में परिणत होगा गोटे त्रिभुज हूँ त्रिभुज ए पी बी देख त्रिभुज ए पी बी ओ त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज कौन ए बी सी तो ये जो दुईट त्रिभुज कौन कौन सामान तो आम जानी एटा हूँ 90 डिग्री कहीं तो यहाँ हूँ अर्धवृत्तस्तर अंतस्थ कोण चापात लिखित कोण तो यहाँ के 90 डिग्री तो से ही भाई एंगल ए बी सी तो यहाँ मोर के 90 डिग्री ये दुटा कौन सामान लिखा एंगल ए पी बी एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी एंगल कौन ए बी सी इक्वल टू के 90 डिग्री तो नेक्स्ट देख तो यहाँ हूँ आमर कौन साधारण कौन एंगल बी ए पी एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल बी ए सी एंगल कौन बी ए सी तो ये लिखिदे साधारण कौन ताल देख ये जो दुईट कंडीशन रू कौन है दुईट त्रिभुज सदृश हो जाए त्रिभुज ए पी बी सदृश त्रिभुज ए बी सी ताहले देख सदृश त्रिभुज हो गला तो से अनुरूप बाहूर दैर्घ्यर अनुपात सामान हम तो देख फास्ट लिखा ये कौन ए देख ए त्रिभुज फास्ट दुटा एपी लिखिली एपी बाय एटी फास्ट दुटा कौन अच्छी ए बी इक्वल टू नेक्स्ट लिखा ए बी बाय ए सी ए बी बाय कौन हम ए सी हम ताहले बर्तमान कौन हम ए बी इंटू ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू कौन हम ए सी इंटू एपी ए सी इंटू एपी ए सी इंटु एपी एटा को आम कौन इक्वेशन वन देदे तो नेक्स्ट देख से ही भाई आम सेम करवापर जमी कले आम तले सेम आम करवा तो ये बी क्यू अंकन करवा देख दुईट त्रिभुज ये आम पाइले ना ना तो से जो दुईट त्रिभुज को लेकिन आम कौन कर इक्वेशन टू आम बाहर कर देख नेक्स्ट लिखा से हीपरी आम देख त्रिभुज ए क्यू बी त्रिभुज कौन ए क्यू बी ओ त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज कौन ए बी डी रु आम कौन पाई एठारे पाइबा आम ए बी रो स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटु कौन ए क्यू
AD into AQ तो सेम आमे सदृश्य बोली आमे प्रूफ करिक जदि आमे बाहर करियो ताहले आमे एडा पाइबा तो आकु आमे इक्वेशन 2 दे देबा ठीक अछि ताहले बर्तमान देखो इक्वेशन 1 आउ 2 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रु आमे कोन पाइबा देखो एठारे लेफ्ट साइड समान ताहले राइट साइड उडा कोन अछि AC into AP इक्वल टू आर राइट साइड कोन अछि AD into AQ तो देखो एडा ही हमरो प्रमाण करिया पई कहिथला तो आंसर आसीला तो लिखि देबा प्रूफ रु ठीक अछि ताहले देखो बर्तन हमर क्वेश्चन नंबर 26 सल्ला तो नेक्स्ट वीडियो रे हम स्टार्ट करबा क्वेश्चन नंबर 27